सन्हौला प्रखंड के प्रमुख साहब हैं, इनकी कुर्सी डोल रही थी। कुछ दिनों पहले इनकी कुर्सी डोलने लगी थी, अविश्वास प्रस्ताव लगा था, लेकिन एक बार फिर से आज देखते हैं कि इनका माल्यार्पण हो रहा है। जो मैं महसूस कर पा रहा हूं, जो मैं प्रतीत कर पा रहा हूं कि शायद इन्होंने अपनी कुर्सी बचा ली है। मिलेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या कुछ रहा अनिल पासवान जी के साथ, भागलपुर जिले का सन्हौला प्रखंड और ठीक मुख्यालय। सर, कुछ दिन पहले आपकी कुर्सी डोल रही थी, ऐसा लग रहा था कि अनिल पासवान जो है पूर्व प्रमुख हो जाएंगे, लेकिन वर्तमान में आपका ये माला इस बात की गवाही दे रहा है कि शायद उस कुर्सी पर अभी तक आप काबिज हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? जी नमस्कार सबको और सभी मीडिया बंधु को भी नमस्कार। मैं अपने इस यहाँ तक आने में हमारे माननीय सभी हमारे पंचायत समिति सदस्य हमारे साथ हैं और दोबारा हमें विश्वास मत मिला है और इस विषय में माननीय हमारे सभी समिति ही बताएंगे कि हम लोग कहाँ से किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचे हैं और किस स्थिति से गुजरे हैं और विपक्ष किस प्रकार से हल्ला बोल थे, जिनके साथ एक भी समिति नहीं थे, सिर्फ विपक्ष एक हंगामा हवा बनाते थे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन ये हमारे जनप्रतिनिधि हमारे जो पंचायत समिति सदस्य हैं इनकी एक बहुत बड़ी उन्होंने एक जुटता दिखाई आपके साथ जो है वो साथ रहे। टोटल 24 पंचायत समिति आपके प्रखंड में, अभी आपके साथ कितने लोग आ गए फिर से? अभी हमारे साथ 16-17 समिति मौजूद हैं अभी यहाँ पे, बाकी सब साथ हैं और सबको साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों का आगे भी सफर तय करना है। बिल्कुल जी जी। ढाई साल का कार्यकाल पूरा हुआ था और ढाई साल में ही इनके विपक्ष जो इनके समर्थन नहीं कर रहे थे, एक अविश्वास प्रस्ताव लगाने की कोशिश की, इनकी कुर्सी बचाने गिराने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। लगभग 16-17 पंचायत समिति जो घिरे हुए देख रहे हैं आपको, ये सभी पंचायत समिति इनके साथ रहे और इनको समर्थन तो फिर से किया। सर चचा आपका क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान। किस पंचायत समिति? किस? भाजलपुर सकरावा। भाजलपुर सकरावा से अनिल पासवान जी के साथ हैं आप? बिल्कुल। बीच में कुर्सी थोड़ा सा इसलिए कि अनिल पासवान पहले दूसरे रास्ते से भटक गया था, हम लोग का उतना तरजीह नहीं देता था, जो कहते थे मानता नहीं था, मनमानी करता था, इसलिए हम लोग इस पर अविश्वास प्रस्ताव लगाए थे। लेकिन बाद में जब ये संभल गया, जैसे कि कोई बच्चे को एक थाप मार देता है, गलती करता है तो बाप दिल से नहीं मारता है, और बच्चे में सुधार आता तो फिर उसको माफ़ कर दिया जाता है। इसीलिए बोला कि जो भी हमसे भूल चूक हुआ, अनजाने में हुआ, हम लोग आप लोग को सबको लेके बढ़िया से चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, तो हमको भी विश्वास हुआ। और पूर्व में जो पहले 5 साल से पहले जो प्रमुख था उसके कार्यकाल में जो हमने देखा फील्ड पर और इनमें जो देखे, तो बहुत धरती आसमान का फर्क है। इसीलिए हम लोग दोबारा फिर इसी को सपोर्ट कर दिए मजबूर होकर, कि इसलिए कि चलो सुधार हो जाता है तो अच्छी बात है, क्षेत्र का विकास होगा। क्योंकि 5 साल में जितना वोट उसके अति में पंचायत में नहीं लगा, उससे कई गुना ज़्यादा 2.5 साल के अंदर लग गया है अनिल पासवान के दौर में। मतलब काम अच्छा कर रहा है, काम अच्छा कर रहा था। कुछ हम लोग को ये करता था कि मनमानी करता था, हम लोग का बात उतना नहीं रखता था, इसलिए गुस्से में वो लगाए गए थे। लेकिन जब उसको तर्क वितर्क किए हमने, इससे पहले भी प्रमुख था और वही दावेदारी फिर ठोक रहा है, और उसका जो था हम लोग के रीजन में उसका पैसा भी कुछ रिकवरी करवाए थे, कुछ लीगल पैसा कुछ ऐसा गड़बड़ किया था, तो वही सब तर्क वितर्क करके फिर हम लोग इसी को सपोर्ट कर दिए। एक देखिए यहाँ पर माल्यार्पण हो रहा है, आप भी कुछ कहना चाहेंगे मैम? ये विश्वास लगाया इस चलती सतीय सिंह कि घर अड़ार पंचायत है, अड़ार पंचायत से। हाँ, क्या दिक्कत हो गया था अनिल पासवान जी? 2.5 साल उन्होंने राज किया, क्या गड़बड़ी कर रहे थे कि आप लोग अविश्वास लगा दिए? विश्वास लगाया इसलिए कि पहले काम नहीं देता है बढ़िया से। अच्छा, काम नहीं, आप लोग को काम नहीं दे रहे थे? हाँ, योजना वगैरह मतलब। हाँ, ठीक, अब हो गया, वादा कर दिए। हाँ, योजना वगैरह। हाँ, मिलेगा। हाँ, मिलेगा सब मिलजुल के। हाँ, अब बोला है कि प्रमुख साहब का मिलजुल के करवाएंगे, करेंगे, जब गलती सही हो गया। हाँ, हो गया। हाँ, इसलिए हम सनी फरू उसको हो गया। चाची आप भी पंचायत समिति हैं? कौन पंचायत से? मैं फाजिलपुर संक्रमण क्षेत्र संख्या 17 से इतरा देवी मेरा नाम। अच्छा, अभी प्रमुख साहब कहीं घुमाने उमाने पिकनिक मनाने नया साल पे लेकर गए? जी सर, गए थे। पिकनिक उकनिक हुआ? हाँ, पिकनिक। फिर आप लोग सपोर्ट किए सब पंचायत समिति मिल करके? हाँ। और हम लोग उनको बेटा के रूप में मान रहे हैं, बेटा के तरह मान रहे हैं, चाची के रूप में मान रहा है। ये हाँ। जितना जो मीडिया वाले और कुछ जो छापे उपे हैं, ये हाँ। बिल्कुल सर गलत है। हाँ। और उनके साथ अब लोग हम लोग हैं। हाँ।
आप लोग साथ रहेंगे और साथ मतलब आगे का 2.5 साल का कार्यकाल इनका अब नहीं लगता है कि गड़बड़ाया अब नहीं गड़बड़ाया है सर है ना। और बाकी रंग अबीर गुलाल सभी उड़ाते हुए चचा जी आप भी पंचायत समिति हैं? नहीं प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि है किस पंचायत? अरार से। अरार से जी। आज देख रहे हैं एकदम माला वाला पहने हुए रंग अबीर गुलाल किस खुशी में? नए प्रमुख साहब को सपोर्ट किए तो फिर हाँ। नए फिर बना लिए उसी को फिर नए बना लिए तो हाँ। फिर खुशी नहीं रहेंगे। वीडियो वायरल हुआ था गलत चलत कुछ नहीं है हम लोगों के साथ में भतीजा लगता है प्रमुख गलत चलत वीडियो वायरल कर दिया फोटो वाला कौन करते हैं और कौन कर दिया उसका आईडी का पता लगाएंगे उसके ऊपर कानून कार्रवाई करेंगे। प्रमुख साहब जो वो विश्वास हम लोगों का पत्नी जो लगाया था वह जब सब हो गया सब मतलब कि नहीं सब ठीक चलता है अब ठीक रहा तो फिर सपोर्ट कर दिए हम लोग मतलब अगले 2.5 साल तक अब आप लोग इनके साथ 2.5 साल तक और सब विकास तो कभी नहीं होगा जो होगा 2.5 साल के अंदर में। चाचा आपसे थोड़ा सा आप किस पंचायत से हैं? मदारगंज पंचायत से। मदारगंज पंचायत से अनिल पासवान जी एक बार फिर से 2.5 साल क्या कुछ अब 2.5 साल में आप लोग इनसे बात किए होंगे इनसे मिले इनके साथ रहे घूमे फिरे 2.5 साल में इस प्रखंड में क्या कुछ आप लोगों ने करने का नए तरीके से सोचा? मतलब पहले तो विश्वास हम लोग लगाए थे आप ही लोग लगाए थे जी हाँ। अभी आप ही लोग साथ में भी हैं जी सब जब मीटिंग सीटिंग की है बात विचार किए हैं जब सही रास्ते पर आ गया तब इनको हमको सपोर्ट कर दिए सारे समिति लोग हैं सारे इनके ही समिति हैं इन्हीं लोगों ने अविश्वास लगाया था आज इन्हीं लोगों ने जो है इनको फिर से माला पहना। चाचा आपसे 2 मिनट अनिल पासवान जी एक बार फिर से आखिर क्या कुछ गड़बड़ी हुई थी जो लोगों ने अविश्वास लगाया था क्या कुछ कमी रह गई थी शुरुआती 2.5 सालों में? हमको तो नहीं लगता था किसी तरह का गलती हुआ था लेकिन कुछ समिति में तकलीफ हो गया था इसलिए थोड़ा ही हुआ लेकिन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और फिर देखिए सब समिति उनको मैंने कि कहा जाए कि 2400 समिति उनको मदद की है अभी कोई उनके अगेंस्ट में नहीं गया कोई अगेंस्ट में नहीं गया मतलब चुनाव का नौबत ही नहीं आया नहीं आया पहले भी 5 वर्ष देख चुका था कि कैसा प्रखंड चल रहा था जब बैठने का जगह भी नहीं था न चैम्बर था न कुछ था अभी तो वो व्यवस्था है अभी है है। तो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई भागलपुर जिले के बिल्कुल सन्हौला प्रखंड से और यहाँ पर अनिल पासवान जी जो हैं वो एक बार फिर से अपने पद को बचाने में कामयाब रहे फिर से प्रमुख पद पर वो काबिज रहे हैं और उनके समिति के साथ सभी लोगों ने इनका माल्यार्पण किया और वो फिर से अगले 2.5 साल जो आने वाला 2.5 साल होगा उसमें प्रमुख पद पर वो काबिज रहेंगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं हम क्या कहेंगे हमारा तो प्रमुख हम ही प्रस्तावक थे फिर अच्छा फिर थोड़ा सा डील मिल चलता था हम प्रमुख को टाइट की हम लोग विश्वास लगाएंगे तभी ठीक होगा हम वो विश्वास लगा मतलब एक तरह हाँ, देखे कि उससे बढ़िया है एक गुना नहीं लाख गुना बढ़िया पूर्व से इसलिए पुनः इनको हम ही प्रस्तावक थे और आज भी इनके साथ हैं और इसके साथ 2 साल में जो कार्यकाल में हम काम किए वो 5 साल में हमने किए थे जो 5 साल इसके साल में अभी हमारा 1 करोड़ का खाली मनरेगा चल रहा है 5 स्कीम 50 लाख का पक्की कम करा चुके हैं करोड़ों जो रास्ता अगर भटकने लगे तो फिर एक बार उसको धक्का देना भी जरूरी इसको तो जो मन सो कर देते हैं जैसे मन तैसे जहां मन तहां दस्तखत करो तो उसके तो माय था 2 साल में कई बोने किया ब्लॉग देखे शपथ ग्रहण जो वहाँ YSDO ऑफिस में 28 दिसंबर 2021 को आज तक मुख्यालय में नहीं आई मीटिंग में उसको प्रमुख बनाकर मुखड़ा को क्या करते मूर्ति है ये तो पढ़ा लिखा है दो चार अक्षर जो बोलते हैं भाषण देने के लिए चाहे मन चाहे मंच पर डीएम के साथ भाषण करते हैं जहां मन चाहे लेके महिला को लेके कांट हुई है फिरते रहते हम साथ के फिर चलाए हम लोग घाटे आप भी कुछ कहेंगे आप मुस्कुरा रहे हैं काफी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लगता है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जब से हुआ तो हमें लगता है कि आज तक जो है इस प्रखंड को सन्हौला प्रखंड को इस तरह का शायद प्रमुख नहीं मिला होगा भविष्य में जाने हो सकता है विद्वानों की कमी नहीं है लेकिन अभी वर्तमान समय में जो अनिल पासवान जी हमारे प्रखंड प्रमुख हैं इनके कार्यकाल में इतना काम हुआ 15वीं से सष्टम से और जो है मनरेगा से वृक्षारोपण हो चाहे पशु शेड हो इस तरह का काम आज तक मैंने कभी देखा नहीं और न सुना किसी से कि इस तरह का काम कभी हुआ था। आज आप जाएंगे तो कोई ऐसा पंचायत नहीं मिलेगा जिसके गली गली में जो है इनका अनिल पासवान जी का बोर्ड नहीं लगा हो और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ इसलिए ये विकासशील पुरुष हैं इसलिए सब पंचायत समितियों ने इनका जो है सहयोग कर फिर पुनः जो है इनको अपने पद पर जो है बरकरार रखा।
चलिए तो सारे समिति एक साथ लगभग 15 से 16 पंचायत समिति अनिल पासवान जी के पाले में है, इसलिए वो पद को बचाने में कामयाब रहे। तस्वीरें सीधे सन्हौला से, और आप देख रहे थे उजागर मीडिया। मैं आपका दोस्त अबुल नशीरम जैन।